पीस करने का एक सरल नुस्खा मैंने कहीं पढ़ा था, तुम्हारे साथ बांटना चाहूंगा, उसे शेयर करना चाहूंगा। हमारे मस्तिष्क में दो भाग हैं, एक दाहिना और एक बायां, एक दायां भाग और एक बायां भाग। हम आमतौर पर हमारा लगभग कार्य है दाएं हाथ से करते हैं, राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड बायां हाथ हमारा लगभग उससे हम काम नहीं करते। तो इससे क्या होता है, जो मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा है वो सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है, और जो मस्तिष्क का बायां हिस्सा है वो सुस्त निष्क्रिय या इनएक्टिव रहता है, प्राय ऐसा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम जैसे मान लो हमने घर में कोई बाल्टी उठानी है, कोई वजन उठाना है, कोई थैला हमारे हाथ में है, एक ही थैला सिर्फ, तो उसे हमें बाएं हाथ से उठाने की पकड़ने की एक आदत डालनी चाहिए, जिससे कि हमारे मस्तिष्क का जो बायां हिस्सा है, जो लेफ्ट पार्ट है, वो भी चुस्त रहे, वो सक्रिय रहे, उसे काम होता है। ऐसा क्यों? देर इज ए रीजन बिहाइंड दिस लॉजिक, जहां तक मैं समझता हूं। हमारा जो भी शरीर का कोई भी हिस्सा है उसकी प्रत्येक नस या नाड़ी जाकर मस्तिष्क से जुड़ी होती है। तो इसलिए अगर हम बाएं हाथ से काम करने की आदत डाल देंगे तो स्वाभाविक है कि हमारे जो मस्तिष्क का बायां भाग है, लेफ्ट पार्ट है, वो कुछ हरकत में आएगा, समय समय पर वो सक्रिय होगा, और इससे क्या होगा, इससे हमारी यादाश्त में कुछ न कुछ फर्क समय के साथ पड़ता चला जाएगा। यह ऐसा आसान सर तरीका है जिसमें हमारा कुछ भी नहीं लगता, बस एक कोशिश है कि हमें एक आदत डालनी है। दूसरा तरीका एक और हो सकता है, साइक्लिंग, कि आप लोग अपनी जेब के अनुसार, पॉकेट मनी के अनुसार एक अखरोट हर रोज खाने की आदत डाल। आप में से कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि महंगा है, मिलेगा नहीं, खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जहां तक मेरा अंदाजा है लगभग सभी स्टूडेंट्स जंक फूड जरूर खाते हैं। सप्ताह में लगभग प्रत्येक दिन या एक दिन छोड़कर, और उसके ऊपर वो अगर एक समोसा कही, समोसे की ही बात करें, 10 रुपए का आता है। अब गर्मी का मौसम आ गया है, वो कभी कभार हर रोज या दोस्तों के साथ कोल्ड ड्रिंक भी पीना शुरू कर देंगे। अगर जंक फूड में खर्च करने के लिए आपके पास पैसा हो सकता है प्रत्येक की जेब में, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप उस पैसे का इस्तेमाल वहां से हटाकर या वहां से कम करके, जो मैंने बताया, अखरोट की ओर ले आइए। क्यों, क्या कभी आपने देखा है अखरोट को फोड़कर उसमें आपको 4 भाग मिलेंगे, वो 2 भागों में बंटा होता है उसकी गिरी, और कभी आप उस गिरी के ऊपर जो अंदर से निकलती है खाने योग्य है
उस पर कभी ध्यान डालना दोनों भागों पर। उसका जो आकार आपको अंदर से नजर आएगा वो ठीक मानव मस्तिष्क की तरह से होता है। उसमें जिस प्रकार की धारियां पड़ी होती हैं, जिस प्रकार के छोटे छोटे खड्डे से पड़े होते हैं, और आप कभी प्रयोगशाला में जाकर देखना, आपको जो मानव मस्तिष्क है ठीक उसकी रचना, उसकी संरचना आपको अखरोट जैसे नजर आएगी। तो अखरोट खाना याददाश्त बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। आंखों की रोशनी भी तेज होती है अखरोट से, और विद्यार्थियों को खासतौर से इन दोनों बातों की जरूरत है कि उनकी याददाश्त अर्थात मेमोरी भी तेज हो, शार्प हो, और उनकी जो नजर है वो भी तेज शार्प, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत अपने विद्यार्थी काल में नहीं आनी चाहिए। तो आप इन दोनों उपायों का जहां तक मैं समझता हूं बहुत आसानी के साथ इन्हें अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। धन्यवाद।